आज हम MACD की बात करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि MACD की मदद से और PSR की मदद से आप कैसे इंट्राडे के लिए एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यह जानने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि इंडिकेटर चार्ट है और इन पे जो दिखाई दे रहा है यह तो सारे ही देख रहे हैं, पूरी दुनिया ही देख रही है। स्टॉक मार्केट में जितने काम कर रहे हैं सारे देख रहे हैं, सिग्नल बाई सिग्नल सेल सिग्नल। मान लीजिए कि सिग्नल सही है तो फिर सारे प्रॉफिट में क्यों नहीं है। तो आप ये बात भी समझिए कि इन पे जो बताया गया है वो इतना सही भी नहीं रहता है जिस पे आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो। इससे अच्छा इनमें क्या है कि आप कुछ ऐसा करिए, मतलब आपको वो देखना पड़ेगा जो अदर कोई नहीं देख रहा है या फिर कोई गिने चुने ही देख रहे हैं। उस तरीके से अगर इस पे काम करोगे, आप इंडिकेटर की मदद लोगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हो कि मैं सिर्फ डेटा की ही मदद से इंडिकेटर का खैर उपयोग बहुत कम, क्योंकि इंडिकेटर का उपयोग तभी होता है ये विशेष स्टॉक पे और विशेष समय पे काम करते हैं। तो आपको खैर आने वाले वीडियो उनमें मैं बताता रहूँगा कौन कब तक कौन सा इंडिकेटर किस स्टॉक पे काम कर रहा है। लेकिन ये भी आपके लिए को अपनाना तो आपको काफ़ी अच्छा सिग्नल भी मिलेगा और मदद होगी आपको इंट्राडे ट्रेड लेने में। तो हम सबसे पहले चार्ट पे चल चलते हैं। ये जैसे कि एच डी एफ सी बैंक का चार्ट है, इस पे मैंने MACD भी लगाया हुआ है। अब आप देखिए जो सिग्नल दे रहा है, सेल सिग्नल यहाँ पे है, मिला हमें यहाँ पर इतना इंट्राडे में, तो इतना भी काफ़ी होता है, 5-10 पॉइंट है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या चार्ट की सेटिंग आनी चाहिए, कोई भी स्टॉक हुआ हो, कैसा भी कोई भी इंडिकेटर हुआ हो और कोई भी चार्ट हुआ हो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो हमको ऐसी सेटिंग करना है कि ये हमारी बात माने। बात मानने से मतलब है कि स्टॉक की बात माने, कौन इंडिकेटर। इंडिकेटर को पता होना चाहिए कि स्टॉक किधर जा रहा है ना, न कि स्टॉक पहले भाग जाए और इंडिकेटर बाद में तो कोई भी बता देगा। तो आप इतना लेट नहीं, सबसे पहले इनको मार मार के आप क्या करो कि इसको अब ऐसे सिग्नल नहीं दे रहा तो इसको मार के काम करवाओ। तो मारने का मतलब भी है इसकी सेटिंग में जाओ आप, तो सेटिंग चेंज करो, कुछ भी आप कम ज़्यादा करते जाना अलग अलग स्टॉकों पे। मैं इस पे बता रहा हूँ, जैसे कि 24 करी हमने, ये थोड़ी पीछे हुआ, पहले यहाँ पे दे रहा था अब यहाँ पे देने लग गया है ना। और थोड़ा चेंज करो इसमें, क्योंकि आपको सेटिंग के साथ तो खेलना आना चाहिए। सेटिंग है, डेटा है, इन चीज़ों के साथ क्या आपको अच्छा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। ये हो रहा है ना, अभी ऐसा ही सिग्नल दे रहा है। एक्यूरेट तो कभी कोई भी नहीं देगा, हो सकता है और पीछे करेंगे तो हो जाएगा ये, पर काफ़ी है हमारे लिए इतना। ऊपर की सेटिंग भी, फास्ट लेन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है। ठीक है, कि यहाँ से हमें PSR लगाना है। करना कुछ भी नहीं है, कोई मैं अनोखी चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए आपको। जब ये साधारण सिंपल सी चीज़ें आप जब तक नहीं सीखोगे मतलब भी नहीं है कोई, कि आप ट्रेड कैसे लोगे क्या लोगे। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कोई मैं अनोखा नहीं बता रहा। आप किसी भी इंडिकेटर को अकेले अगर वॉच करोगे क्या, तो उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। आपको हमेशा एक इंडिकेटर को दूसरा जो इसके विपरीत इंडिकेटर है उसके साथ मिला के देखना पड़ेगा क्या। जैसे ये दोनों अलग है, MACD और PSR। अब मैं यहाँ मूविंग एवरेज लेता, दोनों सेम हो जाते, कोई मतलब भी नहीं है। तो आपको ये PSR हमेशा आपको ये बताएगा कि जो आपका स्टॉक है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। और MACD हमें सिग्नल देगा बाई या सेल की। वैसे PSR पहले दे देता है, पर कंफर्म हमें ये करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ पर इस चीज़ को ही ले लीजिए कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, कोई भी देखेगा इस जगह को हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहेगा कि यार यहाँ पे बाई करें या सेल करें। हाँ, यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहेगा कि बाई करें या सेल करें, है ना। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या पता चल रहा, मान लीजिए कि MACD भी लगा लेते तो ये कन्फ्यूज़न में कन्वर्जन हो रहा था इसका। MACD को अगर आप अच्छे से जानते होगे तो पता होगा कि ये एक कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन में कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता, ये कन्वर्ज हो रहा है ना।
हमेशा डाइवर्ट, डाइवर्ट मतलब ये बड़ा डिफरेंस है ना, तब ट्रेड लिया जाता है, तो कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन आप अगर PSR इसको और इसको बता देखोगे तीनों के, है ना, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, साफ तौर पे दिख रहा है आपको। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा। आप इसकी मदद से आपको ये पता चल ये कंफर्म हो जाएगा, जैसे ये पहले बनने लग गया होगा, ये एक पॉइंट हमेशा पहले ही बनेगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसने बाई सिग्नल दिया, बाकायदा आप यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था, है ना, पर इसने कंफर्म कर दिया दोनों ने कि यहाँ पे अब बाइंग है, अब आपको ट्रेड यहाँ लेना है। तब थोड़ी इनके जब पिक्चर ही ख़त्म हो जाए, इंट्राडे में तो 10-20 पॉइंट काफ़ी होते हैं, आप एक दो अच्छा हज़ार क्वांटिटी नॉर्मली अगर आप उठाओ भी गए, 10-20 पॉइंट कैप्चर करना बहुत है ना। अब मान लीजिए कि आप यहाँ, तो कौन हिम्मत करेगा यहाँ पे लेने की। बकायदा इसने, चाहे इसने ट्रेड बता दिया हो कि ये ब्रेकआउट है, आप मार्केट से 10-20 पॉइंट ऊपर मार्केट पहुंच जाएगा तो आप ट्रेड थोड़ी लोगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेल, इसने पहले ही, ये पहले ही बता देता है, इसने कंफर्म कर दिया यहाँ पे, आपको ट्रेड हमेशा यहाँ इस, ये जब तक कंफर्म नहीं करा तब तक कभी नहीं लेना है। ये पहले स्टॉप लॉस कब, जब ये मिल जाता है, ये दोनों हमेशा जब मिल जाएंगे, ये हमेशा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, है ना। सेल करोगे तो ये स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बाई सिग्नल दिया, यहाँ पे नहीं दिया, जब तक ये कंफर्म नहीं करे यहाँ पे बाइंग का, जब तक कोई ट्रेड नहीं बनता है, इसने वापस सेल दे दिया। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि आप वापस सेल कर सकते हो अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये इस तरीके से काम करता है। जैसे कि दूसरा स्टॉक भी चेक कर लीजिए, ये सिंपल सा। अभी ये आप टाटा मोटर का देखिए, ये एक बेहतरीन इसने ब्रेक ये दिया है, डाइवर्जन भी अच्छा बना है, डबल कंफर्म हो रहा है। अब इसमें आप आँख बंद करके ट्रेड लीजिए, बिल्कुल क्लियर तरीके से बता रहा है, कोई भी रोल नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये चाहे ये इतना ऊपर चला गया, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, है ना। इसने पहले ही बता दिया कि ये बाइंग है, ये कंफर्म हमें यहाँ पे हुआ। बाकायदा आप पहले ही एंट्री लीजिए, जब ब्रेकआउट इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, फिर ब्रेकआउट के बाद में लोगे, मतलब ही क्या है। हमें तो जब स्टार्टिंग, जब पार्टी चालू होती है तब आपको एंट्री लेनी है, ना कि ख़त्म होने या बीच में। बीच में कभी भी आप स्टॉक पकड़ने कोशिश ही मत करें। यहाँ पे हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, ये देख लीजिए, यहाँ पे सेल का मिला, ये सेल का मिला, फिर बाय का मिला, कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, ट्रेड छोड़ दीजिए। ये यहाँ पे वापस सेल का मिला, ये बिल्कुल नीचे आ रहा था, कंफर्म हुआ। जब तक कंफर्म ट्रेड नहीं हो यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि आप लेते भी तो किस आधार पे लेते, इस पे ये बाई है, ये यहाँ पे सेल है, तो कैसे लेते हैं, क्योंकि ऊपर की कैंडल बनी है, एक फेक ब्रेकआउट है, इसका ध्यान रखना आप हमेशा। खैर ये ऐसे नहीं, आप जब ट्रेड लोगे तो आपको, आप एंट्री भी लोगे, यहाँ पे वापस से बाई बना था, ये यहाँ पे आप सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। आपने यहाँ पे बाई लिया होगा, इसमें इसकी मदद से आप कंफर्म कर लो, इन दोनों, जब तक ये और ये दोनों कंफर्म सिग्नल नहीं दें तब तक आप बाई या सेल एक इंडिकेटर के आधार पे कभी भी मत लिया करो। ये इंट्राडे के लिए, किसी भी स्टॉक पे आप इसको ट्राई करोगे, काफ़ी अच्छा है, टाटा मोटर पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो अभी इसको आप देख भी सकते हो। यहाँ पे हमेशा स्टॉप लॉस, ये जब टच हो, ये जब आपस में मिल जाए, उस समय आप स्टॉप लॉस रखना, न कि इसको देख के, इसको देख के कभी भी स्टॉप लॉस मत रखना, कन्फ्यूज़न में रहोगे और नुकसान में जाओगे, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि मैं डेली इंट्राडे के ऐसे स्टॉक देता हूँ कि जिसमें ब्रेकआउट होता ही होता है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन और लाइक प्रेस को, लाइक बटन